तो जियो सिनेमा, पता मैंने एक टाइम पे सीरियसली कंसिडर किया था इसको खरीद लेते हैं, क्योंकि भाई क्या स्ट्रॉन्ग कंटेंट लाइनअप है, एंड अभी भी ऐड कर ही जा रहे हैं, अंतों की जरा मीडिया राइट्स अक्वायर कर रहे हैं। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं जो इनके पास है नहीं, और अब तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी निशाने पे। 999 साल का बहुत ज्यादा सही प्राइस है, अब इसमें थोड़े बहुत एड्स दिखा भी देंगे तो क्या ही जाता है। मैंने सोचा थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि जनरली नई सर्विसेज हक देती हैं, लेकिन मेरी वाली नहीं हकती। HBO वर्ल्ड को अभी विजिट करें, लेकिन पॉइंट ये था कि मैंने अपने घोड़े रोक लिए कि यार वेट कर लेते हैं, थोड़े महीनों की बात है, अगर गेम ऑफ थ्रोन्स हिंदी में आ गया फिर तो मजे ही मजे। लेकिन थोड़े महीने में ही जियो सिनेमा ने अपनी औकात दिखा दी। अब देखो, जो फ्री वाली सर्विस है सबने यूज कर रखी होगी, मैंने भी कर रखी है, वो तो महाघटिया है। टीवी का ऐप मैं कह सकता हूँ कि कॉन्टेंट वाइज अच्छा है, ठीक है, मतलब कॉन्टेंट प्ले तो होता है एटलीस्ट, लेकिन ऐप और वेबसाइट महाघटिया, साली बफरिंग होती है तो लाइव स्ट्रीमिंग का क्या फायदा। पर से अगर हम एवरेज इंडियन का देखें जो कि अपना मोबाइल डेटा यूज करता है, उस हिसाब से नेट बहुत निचोड़ जाता है ये। लेकिन असली हद तो तब हो गई जब प्रीमियम यूजर्स ने कंप्लेन करना चालू किया, ये सब मतलब ये क्या है, इतनी बड़ी कंपनी और इतनी घटिया सर्विस एक्सपेक्ट नहीं करी। मतलब अपनी सर्विस इंप्रूव नहीं कर रहे पर कंटेंट पे कंटेंट पहले जा रहे हैं। आज तो इवन ये दिल्ली हाई कोर्ट चले गए अपने कंटेंट को पायरेसी से बचाने के लिए। तो आज हम बस यही बात करने वाले हैं कि जियो सिनेमा प्रीमियम के साथ एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले तो इनका घटिया यूजर इंटरफेस ही है जिसको कोई सब्सक्रिप्शन ठीक नहीं कर सकता जब तक रिलायंस खुद ना करे। दूसरा, ऐसे घटिया बग्स। यहाँ पे एक जियो सिनेमा प्रीमियम यूजर की कंप्लेन है कि उनके ये प्लेइंग बार्स हट ही नहीं रहे। मान लो आप एक मूवी प्ले कर रहे हो 999 दे के साल का, एंड ये बार्स हट ही नहीं रहे, आप कोई सी भी मूवी प्ले करते हो ये बस आपकी स्क्रीन पे। एंड यूजर ने ये भी बताया कि ये प्रॉब्लम उनके पिछले 15 दिनों से है, एंड जियो सिनेमा में कंप्लेन रेज करने के बाद भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आया। भाई ऐसी चीजों के लिए तो मैं 1 रुपया ना दूं, पर तुम मुझे 1 रुपया दे सकते हो मेरी एक्सक्लूसिव वीडियोस के लिए, ओनलीफैंस नहीं। वैसे यार, वैसे इन ग्लिचेस के साथ एक और ग्लिच जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स की मल्टीपल लैंग्वेजेस वाला है, वो अब सक्सेशन पे भी दिख रहा है। मतलब ये पर्टिकुलर ग्लिच ना पहले सिर्फ गेम ऑफ थ्रोन्स पे ही दिखता था, लेकिन अब सक्सेशन पे भी दिख रहा है। तो मैं इसको ग्लिच नहीं मानता, मैं इसको कुदरत का इशारा मानता हूँ। और साथ में एक यूजर को 999 का सब्सक्रिप्शन प्लान दिखने का ग्लिच, खैर ये ग्लिच ही है, ये कोई कुदरत का इशारा नहीं है। अब देखो, जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन प्लान इनका सबसे बड़ा ग्लिच है, जहाँ पे वो मंथली प्लान नहीं दे रहे हैं एंड एड्स हमें नहीं देखने। भाई तू 1500 का प्रीमियम प्लान निकाल दे, देश की आबादी बहुत है, कोई ना कोई एड्स फ्री खरीदने वाला होगा ही होगा। लेकिन 15 सेकंड फॉरवर्ड करने पे 30 सेकंड का एड किसी को बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, ऐसी घटिया सर्विस यूज करके दोबारा तुम्हारी सर्विस कभी यूज नहीं करनी, उसने पायरेसी करनी है, और फिर कहते हो जी पायरेसी होती है। एंड बहुत सारे यूजर्स को सबटाइटल्स की प्रॉब्लम तो अलग से ही है। एंड यार, क्या तुम्हें पता है कि जियो सिनेमा के जो इंजीनियर्स हैं वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार वाले हैं? सालों ने डिज्नी प्लस हॉटस्टार की टीम उठाई थी, लेकिन फिर भी इनसे घंटा कुछ नहीं हिला। तो भाई मैं सच्ची तुम्हारा भाई होने के नाते तुमको सजेस्ट करूंगा कि अगर जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हो तो अभी मत लो, कल की कल देखी जाएगी, कल का क्या पता ये सर्विस फाड़ बन जाए, लेकिन आज लेना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। इनफैक्ट मैं तो तुम्हें कहूंगा कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जो 3 महीने के प्लान मिल रहे हैं उनमें से कोई ले लो, क्योंकि ये आने वाले 3 महीने इंग्लिश कंटेंट के मामले में पीक रहेगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे काफी सारे हिडन जेम्स है, वो भी जरूर मैं सजेस्ट कर दूंगा। भाई हमें ना अपनी कम्युनिटी को ग्रो करना है, तो इंस्टाग्राम पे हॉलीवुड ब्लॉगवेस्ट इंडिया को फॉलो कर लो, वहाँ पे आपको एक्टिव हिंदी डब अपडेट्स मिलते रहते हैं, हॉलीवुड की इधर उधर की खबरें, और साथ ही साथ मम्मे भी देखने को मिल जाएंगे आपको। अम्मी अम्मी मम्मे।